Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. न्यूजीलैंड में खेले गए पांचवें अंतिम वनडे में भारतीय टीम ने 36 रनों से न्यूजीलैंड को हराया। आखिरी वनडे में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 252 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 44.1 ओवर में 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया। भारत की चेतावनी पर पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ है। 4 दिन पहले हुर्रियत नेता मीरवाइज फारूक से बात करने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से कश्मीर के मानवाधिकार हालातों पर बात की। विदेश सचिव ने कहा कि ये पाकिस्तान की एक और हरकत है हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्य दोबारा हुआ तो पाकिस्तान को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कश्मीर घाटी के सोपोर इलाके के दंगरपुरा में आज सुरक्षा बलों, जेके पुलिस, सीआरपीएफ और आरएन ने गहन तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ आतंकवादियों के इस इलाके में छुपे होने की खबर है। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों और पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में बांदीपुरा में ग्रामीण बीपीओ की सुविधाओं का उद्घाटन किया। इससे बांदीपुरा और पड़ोसी जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही इसके साथ गांधरबल के मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। इससे युवाओं को इंडोर खेलों में खेलने की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के छात्रों से बातचीत की और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी में आतंकियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम आतंकियों की कमर तोड़ कर रख देंगे। बिहार से आ रही सीमांचल एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने मरने वालों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। पटरी में दरार की वजह से ये हादसा हुआ। रियासी जिले के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात हुआ है जिसके कारण सड़कें बंद हैं। इस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये सड़कें माहौर, रियासी और रामबन को जोड़ती हैं। वहीं भारी बर्फबारी के चलते गुलाबगढ़ इलाके में गंभीर रूप से बीमार युवक को चारपाई पर रखकर कई फीट ऊंची बर्फ में पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। माहौर प्रशासन की लापरवाही के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी सड़कों को कोई साफ सफाई नहीं कर रहा है। माहौर प्रशासन की नलायकी के कारण 12 दिनों से बंद पड़ी सड़कों को नहीं साफ किया गया और आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से लगातार बर्फ पड़ रही है तो यहाँ कोई मशीन वाला वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों को पैदल आना जाना, गोल तक पैदल लोग सफ़र कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पे मशीन वालों को भेजा जाए और रोड को आप देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है, लोग बीमार हैं। पिछले कलवा नार से लोग पैदल और हमारे जमलान से लोग पैदल चल के मोर जा रहे हैं। यहाँ कोई मशीन नहीं, यहाँ ना कोई पूछताछ है और गाड़ियाँ जो आती हैं वो रास्ते में फंसी हुई हैं, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू कश्मीर के दौरे की शुरुआत लद्दाख से की। यहां पर प्रधानमंत्री ने कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया। इससे लद्दाख में पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी। मोदी ने लद्दाखी भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वो पहली बार कम कपाती ठंड में लद्दाख आए हैं। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में लगातार हो रहे भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह खोलने में अड़चने आ रही हैं। घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को उधमपुर में रोका गया है। आंशिक रूप से हाईवे खुलने पर डेंजर जोन में फंसे सैकड़ों वाहनों को निकाला गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के विजयपुर में अपने भाषण का आगाज डोगरी भाषा में किया। इस दौरान उन्होंने बाबे वाली माता वैष्णो देवी माता को नमन किया। उन्होंने कहा, जम्मू में एक बार फिर आना सौभाग्य की बात है, उन्हें यहाँ आकर ताकत मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जम्मू के विकास को गति देने आया हूँ। प्रधानमंत्री ने देविका और तवी नदी के प्रदूषण को कम करने की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ में 624 मेगावाट की कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। जम्मू में यातायात और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। पुल और सड़कों का काम तेजी से हो रहा है। एम्स, IIT कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों का भी काम शुरू हो गया है। वहीं अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हर समय जनता से छल किया है, वो हर परियोजनाओं को लटकाते रहे हैं।